कार्तिक, आज दिन में ना ये तुम्हारे नाम से पार्सल आया था, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई। अरे हाँ, ये मैं खुद भूल गया था, ये मैंने घर के लिए मंगवाया था। एक मिनट। ये ड्रेस किसके लिए? ये कुहू के लिए मंगवाया था मैंने, लेकिन शायद एक साइज बड़ा आ गया ना। आप प्लीज एक काम कीजिएगा, ये ड्रेस अगर फैमिली में किसी को फिट होती है तो उसे दे दीजिएगा। ये अब मैं रिटर्न क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, किसी को आ जाए तो। माँ ये देखिए ना, कुछ याद आया? हाँ, ये तो वैसी साड़ी है ना जैसी माँ ने तुझे दी थी जब तू सिर्फ मेरी सहेली थी, उनकी बहू नहीं। अरे हाँ, अब याद आया, लौट लौट के फिर वही डिजाइन, फिर वही फैशन आ जाते इतने बरसों बाद भी। मामी वैसे तुम सबको पता है कि आपकी लव मैरिज, पर आपकी लव मैरिज में पहले किसने किसको प्रपोज किया ये हमें नहीं पता, बताइए ना। हाँ हाँ बताना। शौर्य ने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। अब नहीं है मेरे मन में वो वाली फीलिंग तो नहीं है ना। हाँ पसंद थे बट दोस्त की तरह। तुम मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। धीरे धीरे कब मेरी ना हाँ में बदल गई पता ही नहीं चला। और वर्षा ने मुझे कुछ नहीं बताया था, बस इतना पता है कि वो थोड़ी परेशान रहती थी, खोई खोई रहती थी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में पता ही नहीं है। शौर्य का प्यार अगर सच्चा नहीं होता ना तो मैं परेशान नहीं होती, शायद ना करके भूल भी गई होती। मैं साड़ी ले लूं प्लीज? कल के लिए? हाँ। तुम व्रत रखोगी? नहीं, वो दादी कह रही थी तो मैंने सोचा। तो ले लेना बेटा, उसमें इतनी डरने की कौन सी बात है, अब तू व्रत रख रही है ये तो अच्छी बात है ना। हमने भी तो शादी से पहले तीज का व्रत रखा ही था, ले ले। हाँ लेकिन किसके नाम का रखोगी ये भी तो पता चले ना। लास्ट टाइम जब रमा आंटी आई थी तो विवान को फोन करके बुलाया था, पता चले इस बार किसी को अपने साथ ला रही है। मुझे लगता है गायू को अपने व्रत का फल इस बार मिल जाएगा। नायरा, बड़ी बहन ले रही है तो तुम भी ले लो ना, और साथ में व्रत भी रख लो, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही जल्दी से आ जाए। नहीं मामी, आपको तो पता है मुझसे ये सब नहीं होता। नायरा पहले सब ऐसे ही कहते हैं और फिर जब प्यार हो जाता है ना तो पता भी नहीं चलता। अरे एक बात तो बताना भूल ही गई, ये देख लो किसके नाप का है। ये है किसका? अरे वो कार्तिक ने मंगवाया था। कितना सुंदर गाउन है पर मेरे साइज का नहीं, बहुत बड़ा है। अगर मेरे साइज का होता ना तो पक्का ले लूं। कुहू के लिए मंगवाया था लेकिन एक साइज बड़ा आ गया, और कहा है कि जिसको ये साइज आए ना वो ले ले। इसे मैं ट्राई कर लूं प्लीज? कितना सुंदर है, कलर डिजाइन सब कुछ, आई जस्ट होप मुझे आ जाए। मैं ट्राई करके आती हूँ। जाने अनजाने में आपने ड्रेस मेरे लिए मंगवाया है। आई नो, जो बात आप कह नहीं पा रहे कार्तिक वो मैं समझ गई। नहीं आया। ऑल्टर करके भी नहीं आएगा क्या? नहीं, उसे ऑल्टर करेंगे तो उसकी डिजाइन खराब हो जाएगी और फॉल भी। ओहो, मुझे तो लगा कि काम आ गया, पर ये तो तुम्हें बहुत पसंद आया था ये गाउन। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही बनवा दूंगी। नायरा बेटा एक बार तुम भी ट्राई कर लो। मुझे लग ही रहा था ये तुम्हें फिट आएगा।
जिसे कहते हैं माँ की नजर। दोनों बेटियों में से किसको क्या पसंद है ये बेटियों को पता होना हो, पर माँ को जरूर पता होता है। पर गायु का भी दिल टूटने नहीं दूंगी भाभी माँ, उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी, बल्कि इससे भी अच्छा। लेकिन ये नायरा का काश मामा और मामी की लव स्टोरी जैसे अपनी लव स्टोरी हो नायरा। वैसे फिल्मों में देखने को मिलता है ऐसा प्यार, रियल लाइफ में तो क्या ही पता। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी किस्मत में ऐसा प्यार लिखा होता है। नायरा आजा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।